गुड मॉर्निंग टू ऑल आज का टॉपिक जो है किसी भी वीआईपी सिटी या किसी भी नॉर्मल सिटी सी से इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक से रिलेटेड है तो आज सभी लोग ध्यान से देखें ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक के सिचुएशन को पूरी की पूरी तरह से फ्री करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट पे पेटेंट पे किए गए हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट मार्केट में किया गया फर्स्ट जैसे ट्रैफिक नोटिफिकेशन फर्स्ट जो पेटेंटेड आया ट्रैफिक नोटिफिकेशन कि कोई भी पर्सन जब सिटी में इंटर करता है कोई भी पर्सन सिटी के बाहर से या सिटी में इंटर करता है या सिटी के किसी एरिया से दूसरे एरिया में जाना चाहता है तो उसके मोबाइल पे या फिर अगर उसका व्हीकल वाईफाई से कनेक्टेड है उसका डिस्प्ले बोर्ड वाईफाई से कनेक्टेड है तो उसके मोबाइल पे या फिर उसके व्हीकल के डिस्प्ले पे सिटी के कौन कौन से एरिए में ट्रैफिक है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी इस वो नोटिफिकेशन आ जाएगी इसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि हमें ये रोड फॉलो नहीं करना है दूसरी वाली रोड फॉलो करना है फिर नेक्स्ट पेटेंट आया नेक्स्ट पेटेंट क्या आया कि ट्रैफिक ट्रैफिक की वैलिडिटी ट्रैफिक की ऑटोमेटिक डाइवर्जन कि अगर हमें किसी सिटी के किसी एरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है या चांसेस हैं होने का या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो गया दो से दो या दो से अधिक जगह पे ऐसे सिचुएशन में सारा जो सेंसर्स आईओटी आईओटी टी आई ओ टी बेस्ड कैट कैमरे चौराहे पर लगे हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे कैमरेस लगे हुए हैं उनसे ये डिटेक्ट हो जाता है और सिस्टम ऑटोमेटिक डिसीजन लेके जो रेड लाइट है अलग अलग डायरेक्शन पे रेड लाइट जो है और भीड़ को पूरा डाइवर्ट कर देगा बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको ट्रैफिक के डायरेक्शन में ना जाके उनको कोई दूसरा पाथ देगा जो सिटी के अंदर से जा रहे हैं जो ट्रैफिक वाले पाथ में फॉलो करना चाहते हैं उनको कोई दूसरा पाथ दे देगा ताकि जो ट्रैफिक की सिचुएशन जहाँ पे क्रिएट हो गई वहाँ पे और लोग न जाएं तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक का डाइवर्ट कर दिया गया ऑटोमेटिक जो चौराहे पे रेड लाइट ग्रीन लाइट जले हुए हैं उसमें ऑटोमेटिक टाइमर इंक्रीज और डिक्रीज करने का कॉन्सेप्ट आ गया और पाथ क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट आ गया किस रात इस पाथ से नहीं जाना यू कैन फॉलो इन दैट पाथ एरो इंडिकेट होने लगा फॉलो दैट पाथ फॉलो दैट पाथ

है उसकी नोटिफिकेशन या कौन से एरिए में ट्रैफिक प्रिडिक्टिव होने वाली उसकी नोटिफिकेशन पहले से प्रिडिक्ट करके दिया जाने लगा ताकि वो उस हिसाब से प्लानिंग कर ले तो ट्रैफिक का थर्ड लेवल का ये इन्वेंशन और पेटेंट आया कि ऑटोमेटिक प्लानिंग कर लेंगे कि यहाँ पे इस समय यहाँ पे इस समय या यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है या ट्रैफिक है काइंडली वहां पे जाए और उसको मैनेज करें फिर सिटी में इवेन और आर्ट गाड़ी के नंबर को काउंट करने का कॉन्सेप्ट आया कि कितनी गाड़ियाँ इवन नंबर की है कितनी गाड़ियाँ आट नंबर की है टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल सिटी की कितनी गाड़ियाँ जो सिटी के अंदर मूव करती हैं आज दिन में कितनी सिटी से बाहर से गाड़ियाँ आई और सिटी के बाहर अंदर की गाड़ी कितनी बाहर की ये सारा काउंटर कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि अलग अलग चौराहे पे अलग अलग लोकेशन पे सेंसर्स कैमरेस लगे हुए हैं उसके थ्रू ये डिटेक्शन आ लेगा आर ऑफिस को फिर नेक्स्ट पेटेंट आया नेक्स्ट पेटेंट जो आया वो यूनिक पाथ आइडेंटिफाई करने का अगर कोई एम्बुलेंस या कोई वी आई पीज लीडर्स हमारे जा रहे हैं जैसे वो एंटर करेंगे उस पाथ पे अब उस पाथ को यूनिक कर दिया जाएगा उस पाथ की सारी रेड लाइटें जो होगी वो उनके पाथ में कभी रेड लाइट नहीं आएगी उनको कंप्लीट पाथ दिया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी निकल जाए और हर चौराहे की जो रेड ग्रीन कलर की बत्तियां जलने का जो प्रोसीजर है इनके हिसाब से कंट्रोल होने लगा है जब कभी भी ये चौराहे पे जाएंगे तो रेड इनको बल्कि जलती हुई बत्तियां नहीं मिलेगी उनको जाने का ही इंडिकेशन मिलेगा मतलब ग्रीन ही मिलेगी हर चौराहे पर इनको ऐसा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कर दिया गया जैसे भी आई पीस या एम्बुलेंस किसी ट्रैक को किसी भी पाथ में आ गई उस पाथ को फ्री कर दिया गया उस पाथ के टाइमर को इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया गया ताकि वो पाथ कंटिन्यूस चलता रहे वो व्हीकल या वो एम्बुलेंस फास्ट मूव होता रहे और जल्दी से हो ताकि एम्बुलेंस के वजह से या फिर उसके वजह से किसी तरह का कोई डिले ना हो फिर ट्रैफिक के रूल को कुछ लोगों ने तोड़ने का, का प्रोसेस नेक्स्ट पेटेंट है ट्रैफिक को रूल को कोई तोड़े तो कौन कैसे ट्रैफिक ऑफिस किस को कहाँ कहाँ पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक सेंसर्स कैमरे लगे हुए हैं जैसे कोई ट्रैफिक के रूल को डिस कर रहा है ऑटोमेटिक उसके घर पे फाइन और प्लांटी लगा के नोटिफिकेशन के थ्रू भेज दिया जाने लगा तो लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और ट्रैफिक रूल को फॉलो करने लगे तो आज ट्रैफिक से रिलेटेड देखिए अलग अलग इन्वेंशन है पहले ट्रैफिक का नोटिफिक पेटेंटेड इन्वेंशन है ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है इंडिया में कुछ लोकेशन कुछ कुछ पेटेंट इन्वेंटेड आउट ऑफ कंट्री में मैक्सिमम इन्वेंटेड है ये सभी रिसर्चर स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों का कॉन्सेप्ट पेटेंटेड है जो ग्रेजुअली सिटी में इम्प्लीमेंट होगा आने वाले टाइम में और इम्प्लीमेंट होगा और ट्रैफिक और बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू देखिए पहले जो हो गया ट्रैफिक का नोटिफिकेशन आया पेटेंटेड कॉन्सेप्ट फिर ट्रैफिक की डाइवर्जन का आ गया ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हैं फिर ट्रैफिक को नोटिफिकेशन आने लगे कि सिटी के कहाँ कहा, लोकेशन पर ट्रैफिक है फिर इवन और आठ गाड़ी को काउंट करने का कॉन्सेप्ट आ गया या टोटल गाड़ी को काउंट करने का कॉन्सेप्ट आ गया फिर एम्बुलेंस और वी को यूनिक पाथ देने का कॉन्सेप्ट आ गया फिर ट्रैफिक रूल को जो वायलेट कर, कर रहे हैं जो ब्रेक कर रहे हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिक फाइन ऑट ऑटोमेटिक प्लांटी लगाने का कॉन्सेप्ट आ गया तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारे इन्वेंशन हो रहे हैं सारे इन्वेंशन किसी न किसी का पेटेंटेड है और इन फ्यूचर वो बिजनेस जनरेट कर रहा है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सल्यूशन दे रहा है ऐसा कोई आप भी कॉन्सेप्ट सोचें और अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप कमेंट लाइन में अपना स्टेटमेंट पास कर सकते हैं उसका अकॉर्डिंगली मैं आपको डिस्कस करके वो सारी चीज़ें गाइड करूँगा थैंक यू थैंक यू टू ऑल